मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। दोस्तों आज हम सबका डाउट क्लियर करने वाले हैं। ये देखो दोस्तों, मेरा कार के इंजन में पूरा मैंने कीचड़ से भर दिया, एक्चुअली मैंने जानबूझ के भरा है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि भाई देखो इंजन में अगर ज़्यादा मट्टी भर जाए, अगर कीचड़ भर जाए तो आप उसको इजीली कैसे क्लीन कर सकते हो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर इंजन में कीचड़ भर गए तो नहीं भाई इंजन के अंदर पानी नहीं मार सकते, कैसा क्या करना है। देखो एक बात है कि जो पुराना जो कार है ना उसमें आप डायरेक्टली इसमें प्रेशर नहीं मार सकते, डायरेक्टली क्लीन नहीं कर सकते हो, लेकिन आजकल का जो नया टेक्नोलॉजी आता है उसके हिसाब से आप नॉर्मली आप इजीली प्रेशर मार सकते हो, पानी का प्रेशर मीडियम रेंज में, आपको उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बहुत लोग क्या कहते हैं इंजन में पानी मारने से पहले बैटरी का वायर निकाल लो, भाई साहब बकवास बात है, वो मिथ है बिल्कुल एकदम, है ना, उसमें कोई ऐसी जरूरत ही नहीं। मैं आपको लाइव सीधा दिखाने वाला, मेरा जो बलेनो कार आपको पता है 2 साल पुराना कार है, कुल मिलाकर नया बोलने से चलता है ना, तो आप उस कार में मैं सीधा आपको ऐसा डायरेक्टली पानी मार के प्रॉपर से जो जो कीचड़ से भरा हुआ जो सीन है इसको मैं प्रॉपर अच्छे से क्लीन करके बताने वाला हूँ। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा फुल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। लाइव देखो बाद में कैसा ये कर रहा हूँ मैं। ये देखो सबसे पहले ये बोनट में जो ऊपर का है ना इसको थोड़ा क्लीन कर लेते अच्छे से। ये देखो ये सभी को तो पता ही है मैं कभी भी ऐसा फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप हमेशा मैं आपके जानकारी के लिए सही वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आ रहा है। ये देखो कितना पानी मार रहा है ना, ऊपर का पहले क्लीन हो जाने दो इसके बाद हम इधर इंजन में मारेंगे, नहीं तो उधर ऊपर का पूरा गंदा वापस इधर नीचे आएगा। ये देखो पूरा मट्टी मट्टी निकल रहा अंदर से। देखो कितना पानी मार रहा है, देखो फिर भी देखो कीचड़ पूरा कीचड़ निकल रहा है, देखो ऐसा कलर है पानी का पूरा गंदा निकल रहा है। ये जो है ना इसमें ना स्पंज टाइप है, इसमें पूरा कीचड़ ऐसा ना डस्ट जो इतना 3 दिन से जो ना 2 साल से पूरा जम गया इसके अंदर, तो पूरा निकल रहा है अभी, वो निकल जाने दो, जितना पानी मारा उतना ज़्यादा कीचड़ निकल रहा है, अच्छे से निकल जाए। ठीक है बाकी वो उसको पानी आ जाने दो, नहीं तो दिन भर ऐसे चलते रहेगा। थोड़ा अभी कलर पानी का कलर थोड़ा लाइट हुआ है, मैं सोच रहा हूँ फिर से बाद में करेंगे अभी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं इसे अगर इसी को मारते रहेगा रह जाएगा तो, है ना, पूरा इंजन को भी तो बाद में क्लीन करना है, पूरा कचरा है क्या, रबड़ अंदर गिर गया। देखो मेरा वाइपर ना ख़राब हो गया, देखो वाइपर का रबड़ है वो ख़राब हो गया, देखो उसको चेंज करना पड़ेगा, इधर से गिरा वो। देखो मस्त एकदम क्लीन हो गया, आपको दिख रहा है पूरा मट्टी भरा हुआ था, अभी देखो क्लीन हो गया यहाँ पर, पूरा इंजन को भी सेम ऐसे ही मार देंगे। देखो कोई फेक वीडियो नहीं भाई, बिल्कुल लाइव बना रहा आपके सामने, कोई एडिटिंग नहीं, पूरा कीचड़ है हम सीधा मारेंगे, ये बैटरी है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, कार कभी भी चालू कंडीशन में आपको इस तरह का है ना पानी प्रेशर से नहीं मारना है, कार बंद रहेगा अब बाद में आपको प्रॉपर अच्छे से मार लेना है, उसके बाद आपको 5 मिनट वेट करना है, उसके बाद ही आपको कार को स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा और एक बात, जैसे कि अभी इसमें क्या होता है, देखो ऐसा ये हो गया पॉइंटेड, ये पॉइंटेड हो गया ना आपको ऐसे पॉइंटेड, तो आपको पॉइंटेड करके कभी भी फुल हाई प्रेशर आपको यहाँ पर नहीं मान रहा है कार का जो है ना, कभी भी ऐसा स्प्रेड करना है। देखो ये देखो ये ऐसा आपने गन का स्प्रेड हल्का सा स्प्रेड कर लिया उसके बाद ही आपको मारना है, क्योंकि अगर आपने पॉइंटेड मारोगे तो आपको वायर वगैरह कुछ डैमेज हो सकता है ना, तो इसलिए आपको स्प्रेड करके आपको इंजन में मारना चाहिए पानी। देखो कितना चकाचक क्लीन हो गया प्रेशर मारते साथ ही।
अच्छा देखो नॉर्मली इसमें क्या हो रहा है, डस्ट है और कीचड़ है, नॉर्मली नरम कीचड़ है, इस वजह से एकदम प्रेशर से ही निकल रहा है। बहुत सारा चीज़ों में क्या होता है, बहुत सारा इंजन में पुराना हो जाता है, बाद में ऑयल वगैरह लगा होता है, तो उसके लिए क्या कुछ अलग तरह का केमिकल आता है ना, तो उस सब आपने स्प्रे करके बाद में आपने अपने हिसाब से उसको प्रेशर मार के क्लीन कर सकते हो। तो कई सारा केमिकल आता है आपको तो पता है, आने वाला टाइम आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इंजन प्रॉपर तरीके से क्लीन कैसा करना है आपको मैं वो तरीका बताने वाला हूँ। लेकिन ये जो स्टेप है ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बहुत लोग सोचते हैं इंजन में पानी नहीं मारना चाहिए, तो उनके लिए मैं ये लाइव वीडियो बना के बता रहा हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं, अगर आपको नया कार है तो वैसे इस तरह का कर सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया, पूरा साफ कर देंगे, चकाचक कर देंगे, कहीं पर ज़रा भी कीचड़ नहीं रहेगा। दोस्तों ये देखो बिल्कुल एकदम चकाचक क्लीन हो गया, आपको दिख रहा है एकदम चमकने लगा है। हाँ ये नॉर्मली पानी से ही इतना चमक गया है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ नॉर्मली इसमें क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा फोम स्प्रे कर देंगे, उससे क्या होगा थोड़ा सा और बेटर और ज़्यादा शाइन आ जाएगा। तो दोस्तों हम जो शैम्पू यूज़ करने वाले वो है NR कार वॉश शैम्पू और NR फोम कैनन, क्योंकि भाई जब हमारा खुद का है तो फिर दूसरे का क्यों यूज़ करके दिखाएंगे, है ना। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा सब कुछ करना पड़ता है, तो आज हम हमारा मूड हो तो हम यही करेंगे, है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं, 100 ml शैम्पू डालेंगे, बाकी फुल पानी भरेंगे। अरे बाकी थोड़ा सा बाहर गया जल्दी जल्दी में, होता है जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो थोड़ा सा अलग एक्साइटमेंट होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग भी वीडियो बनाते होंगे तो आपको पता होगा सर कैमरे के सामने कुछ अलग ही सीन चलता है लोगों का। नॉर्मल हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और कैमरा चालू होते ही ऐसे बोलते ही बंद हो जाता है ना, हमारा थोड़ा सा हरकतें अलग होने लगता है, पता नहीं इसका क्या मतलब समझ में नहीं आता है लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, हम नॉर्मल नहीं रह पाते कैमरे के सामने, पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, आप कमेंट करके बताओ ऐसा कुछ अगर होता है आपके साथ तो। ओके तो ये 100 ml शैम्पू फुल भर दिया हमने पानी, अब होगा फोम का जलवा, पूरा इंजन में मस्त एकदम फोमिंग फोमिंग कर देंगे, और फोम करने के बाद अगर आपको लगे भाई कहीं पर कुछ ऐसा गंदा रह जाता है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कपड़ा वगैरह मार सकते हो। ओ हो 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 गाढ़ा गाढ़ा फोम भाई साहब, गाढ़ा गाढ़ा फोम, देखो ज़रा फोम का क्वालिटी देखो ज़रा थोड़ा सा, वाह यार देखो, ओ हो 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 मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, ओ भाई साहब मैं इसी पल के लिए तो जीता हूँ यार, इसी पल के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ, आप देख रहे हो कैसा, वाह ऐसा ना वाइट वाइट जब आता है ना फोम ऐसा, हाँ तो मुझे क्या पता है मेरे को ना खाने का मन करता है इस वाइट वाइट फोम को, देखो ज़रा ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखो इसको बोलते क्वालिटी फोम का, ये देखो वाओ, ये देखो ज़रा क्या क्वालिटी है, इसको बोलते फोम, ये क्या है NR फोम कैनन और बाद में NR शैम्पू, आप समझ रहे हो ये है इसका जलवा। चलो इसे थोड़ा सा ऐसा नॉर्मली कपड़ा मार लेते अच्छे से ताकि थोड़ा और थोड़ा ज़्यादा बेटर चमक जाए, ऐसे तो नहीं मारने से चलता है कपड़ा नहीं वाला, ऐसे नॉर्मली रहेगा मस्त, थोड़ा सा उसको 2 मिनट रखो ऐसा होल्ड करो उसके बाद डायरेक्टली पानी मार दो तो उससे भी काम कर जाता है। देखो जैसे कि अभी ऐसे रखा ना तो थोड़ा सा कचरा ऐसा गिरने लगा वहाँ से, मट्टी गिर रहा है ऐसा वो स्लो मोशन में, देख कपड़ा देख थोड़ा सा ऐसा अच्छे से मार लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है सूखने के बाद में थोड़ा सा ऐसा दाग दाग दिखने लगता है, मट्टी का डस्ट का दाग दिखता है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे थोड़ा सा कपड़ा मार लेंगे। ये बिल्कुल एकदम सिंपल और आसान तरीका बता रहा हूँ ये सब चीज़ें जो आप अपने घर में खुद से कर सकते हो, हाँ या तो आप अपने अगर आपका वॉशिंग सेंटर है तो भी आप इस तरह का प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा जो नहीं सिर्फ घर वालों के ऐसा है इसलिए नहीं है, ये सबका काम का चीज़ है।
ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ दिखने में है, पर लोग ना इसी के लिए कन्फ्यूज होते हैं, भाई क्या करूँ मैं अपना कार में, इतना महंगा कार है, इसमें पानी मारूँ या ना मारूँ, कैसे क्या करूँ, है ना, थोड़ा टेंशन लोग रहता है। तो मेरा इस काम की वजह से ना आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली कार के साथ, आपके कार के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसा बोल के, है ना, इस वजह से इस तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ। ये देखो, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। यस, आप लोगों को छोटा सा एक गाने का लाइन भी सुना दिया, और मेरा जो है ना इंजन में शॉर्टकट नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा कपड़ा मार के भी हो गया। अब हम इसको ठीक से फटाक से ऐसा पानी मार लेंगे और बाद में क्लीन कर लेंगे चकाचक। लो पकड़ो इसको, और ये है हमारा गन, आगे का नज़र दे दो। ठीक है क्या, हमारा वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं रहता, आपको पता है ये सब सीन आएंगे वीडियो में, है ना। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ यार, दिखावा नहीं, मेरे को जमता नहीं है, मैं दिखावा थोड़ा कम ही करता हूँ, नेचुरल तरीके से बनाता हूँ, ताकि ये चीज़ तो आप लोग मुझे पसंद करते हो और इसीलिए मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ऐसा जुड़ा हुआ मैं फील करता हूँ, इस वजह से मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। नहीं तो अगर मैं अपनी बात करूँ एडिटिंग के मामले में, मेरा जो भांजा ना जो मेरे पीछे है, भाई साहब बहुत ही खतरनाक वीडियो बनाते, उनका भी देख लेना ना इंस्टाग्राम पे, उनका 1.5 लाख कुछ फॉलोअर है, और उनका चैनल का नाम है रतिन राय 1, उनका इंस्टाग्राम आईडी है ना, खतरनाक एडिटिंग वीडियो बनाते। पर मैं अपने इसमें बोलता नहीं भाई, मेरे को एडिटिंग नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल वीडियो बनाओ, ताकि मैं आप सबके साथ जुड़ा हुआ रह सकूँ, बिल्कुल जैसा मैं हूँ वैसे ही आप लोग देख सको मुझे, इस वजह से मैं एडिटिंग नहीं, बिल्कुल सिंपल। अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम में फेमस होना है ना, अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग सीखना है, जो भी चीज़ें है, अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है, सोशल मीडिया में फेमस होना है, अगर सोशल मीडिया से पैसा कमाना है, तो आप मेरा जो भांजी है जो कैमरा के पीछे है, उनको आप ऐसा फॉलो कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो कई तरह चीज़ें। लगता है पाइप में ना एयर आ गया था, भर का जिस आवाज़ आया अभी निकल गया। अरे यार क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, पानी ख़त्म हो गया, जरा देखो, जरा लगता है पानी ख़त्म हो गया, देखो अब क्या करेंगे बताओ। दिमाग ख़राब हो गया, शिट, पता नहीं यार पाइप निकल गया क्या, पानी ख़त्म हो गया। लो भाई साहब पानी ख़त्म हो गया, बताओ मुझे, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इधर पानी ख़त्म हो गया, मेरे को ऐसे टाइम में मुझे फिर गुस्सा आता है यार, बताओ क्या करूँ अब मैं, पानी कैसा ख़त्म हो गया यार। मैं कुछ करता हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों अभी अब क्या करेंगे, पानी ख़त्म हो गया हमारा इस घर का, अभी वो जो दूसरा वाला जो घर है ना हमारा, वो भी घर हमने रेंट पे लिया है, ये भी दोनों में हमारा ही है, तो मैं सोचा कि अभी जो पानी पाइप है ना वो वाला घर से लेंगे, तो पानी की कमी नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला घर का पानी ख़त्म हो गया, हमारे बच्चे लोगों ने ध्यान नहीं दिया यार, पता नहीं टैप चालू नहीं किया, जब पानी आता तभी टंकी भरा नहीं, तो बाद में पानी ख़त्म हो गया। चलो देखते हैं अभी वो वाला घर से पानी लेंगे, फिर बाद में काम को कंटिन्यू करेंगे। अरे जल्दी करो दोस्तों, दोबारा पानी आने के लिए सिर्फ हमको 1 मिनट लगा, क्योंकि हमने फटाक से पाइप यहाँ से निकाला और बाद में वो वाला घर पे डाल दिया, बाद में हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे। ये फिर से चालू हो गया, दोस्तों अब एकदम फाइनली एकदम चकाचक हो गया है। अब आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली जैसे कि अभी मैंने वॉश कर लिया है ना, हो सके तो आप क्या करो, इस कार को नॉर्मली 10 मिनट कम से कम आप उसको ऐसे ही रख दो, बाद में जो नॉर्मली वो जो वायर के साइड में जो भी पानी वगैरह थोड़ा सा सूख जाने दो, 10 मिनट बाद में अपना कार को है ना हम स्टार्ट करेंगे। अगर गर्मी का टाइम है अगर नॉर्मली तो भी तो जल्दी फास्ट सूख जाता है ना, अभी देखते हैं हमारा ये कितना टाइम में सूखता है। नॉर्मली फिर भी आपको 10 मिनट तो वेट करना चाहिए, 10 मिनट बाद ही आपका हम आपका कार चालू करके दिखाने वाले हैं। चलो इसको अभी क्या ढक देते हैं, अपना काम हो गया है, अभी बस खाली कार आपको चालू करके दिखाना है ना, तो इसको हम अभी बंद कर देते हैं। ओके दोस्तों, हमारा 10 मिनट हो चुका है, अभी फटाक से कार के अंदर बैठेंगे और बाद में कार को चालू करेंगे। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। कार स्टार्ट हो चुका है, चलो मैं काम करता हूँ।
अभी काम करके ठीक है, और क्या करना क्या बचा है? मतलब काम करके ठीक है, काम करते अभी वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर दे, ये मेन काम बचा है ना। तो बाकी अगर आपको एनआर कारवा शैम्पू लेना है, फोम करन लेना है, ये मशीन लेना है, जो भी चीज़ लेना है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके ये मशीन वगैरह, प्रोडक्ट वगैरह, जो भी चीज़ आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।